जय हिंद साथियों, अवध विश्वविद्यालय से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि लगातार कई वर्षों से, अगर हम कोविड के बाद की बात करें तो उस कई वर्षों से अवध विश्वविद्यालय के सत्र देर से चल रहे थे, परीक्षाएं समय से नहीं कराई जा रही थी, जिसकी वजह से काफी समस्याएं हो रही थी, लेट सेशन पूरा होना, छात्रवृत्ति में प्रॉब्लम होना, एडमिशन्स के लिए काफी समय तक इंतजार करना। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र में आपका पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा हो जाएगा और सही समय पर आने वाले सत्र को शुरू कर दिया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन वायरल होती खबरों को अगर हम पढ़े तो यही निकल के आ रहा है कि आपका सत्र संभवतः इस बार सही समय पर पूरा हो सकता है, क्योंकि कुलपति महोदया ने एक मीटिंग कराई और मीटिंग कराकर सभी विभाग अध्यक्ष को, सभी जिम्मेदारों को यह आदेश दिया है कि वो अपने पाठ्यक्रम को सही समय पे पूरा करें और परीक्षा को सही समय पे कराएं। तो कौन सी वो डेट बताई है, कब पूरा कराने के लिए कुलपति जी ने कहा है, क्या संभवता है कि आपकी परीक्षाएं कब से शुरू हो सकती हैं, आइए इन पूरी खबर को पढ़ते हैं और देखते हैं पूरा खबर, पूरा मामला क्या है। तो दोस्तों, अगर हम खबर को ध्यान से देखें तो अवध विश्वविद्यालय के कुलपति ने शैक्षणिक सत्र नियम को लेकर की बैठक संपन्न, 30 जून तक पाठ्यक्रमों को कराए पूरा, प्रोफेसर प्रतिभा गोयल। अवध विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कहा कि 30 जून तक, जी हां 30 जून तक आपके कंप्लीट करिकुलम्स को पूरा कराने की बात की जा रही है, जो भी सिलेबस छूटा है उसको पूरा कराने की बात की जा रही है, क्योंकि एग्जाम्स इस बार जल्दी कराना है। अब आइए जरा पूरी खबर को पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक सत्र के नियमन को लेकर कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। मंगलवार को अपराह्न दोपहर विश्वविद्यालय के कौटिल्य प्रशासन भवन के सभागार में कुलपति ने समस्त, यहाँ पे देखिए किन किन के साथ मीटिंग हुई, कि कुलपति ने समस्त संख्याध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, निदेशक व समन्वयकों के साथ शैक्षणिक सत्र नियमन को लेकर बृहद चर्चा की। बैठक में कुलपति ने परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक सत्र को नियमित करने के लिए, रेगुलर करने के लिए, बच्चों क्योंकि बहुत लेट हो रही थी, सभी को प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग शिक्षकों से समन्वय स्थापित करते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-23 यानी कि जो सेशन चल रहा है वो 30 जून तक समाप्त करें, जिससे विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई में कराई जा सके। बैठक में कुलपति प्रोफेसर गोयल ने कहा कि परिसर में पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं शैक्षणिक कैलेंडर की तिथि में ही कराई जाएगी, इसके लिए समस्त विभागों व परीक्षा विभागों के कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाए। उन्होंने कहा कि छात्र को सर्वोपरि रखते हुए समय से परीक्षा संपन्न कराई जाए। बैठक में परीक्षा नियंत्रक ये वो लोग रहे जो इस बैठक में मौजूद थे। तो देखा आपने किस तरीके से परीक्षा को 30 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट करके 8 जुलाई से परीक्षा कराने की बात की जा रही है, यानी कि 8 जुलाई से परीक्षा कराने की बात यहाँ पे की जा रही है। बच्चों, अगर सच में इसे लागू किया जाता है, 8 जुलाई से आपकी परीक्षाएं शुरू कराई जाती हैं, तो संभवतः जुलाई महीने तक ही आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो इस प्रकार से अगस्त तक आपके नए सेशन शुरू हो जाएंगे। और अगर हम खास तौर पे बीएड की बात करें, क्योंकि बीएड की परीक्षाएं, इन तमाम परीक्षाएं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएससी, बीकॉम, इन सारी परीक्षाओं के बाद बीएड की परीक्षाएं होती हैं, तो अगर जुलाई में ये परीक्षाएं संपन्न करा ली जाती हैं, तो आशा करते हैं कि आपकी बीएड की परीक्षाएं अगस्त तक और नहीं तो सितंबर में तो आपकी परीक्षाएं करा ही जा सकती हैं, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से आपके बीएड की परीक्षाएं अक्टूबर और नवंबर तक चली हैं, तो इस बार हम आशा कर सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं जल्द से जल्द करा ली जाए, मतलब जल्दी करा ली जाए। तो बाकी दोस्तों, ये वो खबर थी जिसको जरूरी समझा आप तक पहुंचाना। अब बाकी परीक्षाएं कब होती हैं, फॉर्म कब भरे जाते हैं, इसकी डेट शीट क्या आती है, जैसे ही कोई खबर निकल के आती है डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय से संबंधित सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं कि क्या सच में इस चीज़ पे अमल किया जाएगा, क्या सच में जुलाई में एग्जाम शुरू करा के जुलाई में ख़त्म किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे बीएड के बच्चे, क्योंकि आप सभी का सेशन बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है, आपकी परीक्षाएँ अक्टूबर नवंबर तक और आपका रिजल्ट दिसंबर तक आता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। हम उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि जिस तरीके से कुलपति जी ने यहाँ पे शैक्षणिक सत्र को लेके मीटिंग करी और 30 जून तक कोर्स कंप्लीट कराने की बात करी, डेफिनेटली हम आशा कर सकते हैं कि
कि बीएड की भी परीक्षाएं सही समय पे करा ली जाए। तो दोस्तों ये खबर निकल के आ रही थी आपसे परीक्षा से संबंधित। मैं आशा करता हूँ कि ये खबर आपके लिए सच में एक अच्छी खबर हो और सच में आपकी परीक्षाएं जल्द कराकर आपका सत्र जल्द पूरा किया जाए। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। बाकी अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जैसे कोई खबर निकल के आती है डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। बीएड से संबंधित किसी भी कोर्स के लिए आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत साथियों।